चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल LM बुधवार की शाम को चंद्रमा की सतह पर उतर गया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। आपको बता दें, चांद पर दुनिया के सभी देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके पीछे कई राज हैं। रूस का अभियान हाल ही में असफल हुआ। वैज्ञानिकों की चांद को लेकर अलग अलग राय हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव का क्या है रहस्य और यहां पहुंचने के लिए मतवाली क्यों है दुनिया, आइए समझते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि चांद पर हीलियम का एक आइसोटोप है जो पृथ्वी पर दुर्लभ है, लेकिन चंद्रमा पर इसके 10,00,000 टन होने का अनुमान है। इसके साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पर्वत श्रृंखलाओं की सतत छाया में बर्फ के नीचे पानी दबा हो सकता है। चंद्रमा पर स्कैंडियम और इट्रियम सहित कई रेयर अर्थ मेटल्स भी हैं। इसका उपयोग स्मार्टफोन, कंप्यूटर और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में होता है। हालांकि इसकी माइनिंग के लिए चंद्रमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। फिलहाल चंद्रमा पर जैसे हालात हैं उनमें अधिकतर काम रोबोट के जरिए ही हो पाएगा, लेकिन उस काम के लिए भी काफी रिसर्च की जरूरत है। मून मिशन के जरिए इस दिशा में कदम बढ़ेंगे। चंद्रमा पर मौजूद पानी, वहां की चट्टानों और मिट्टी का किस तरह उपयोग किया जा सकता है, इस पर कई देशों की नजर है। वहां पानी है, इसका पक्का पता चंद्रयान 1 ने लगाया था। चंद्रमा के पोलर एरिया में हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स का पता लगाया था। अगर चंद्रमा पर मौजूद पानी का उपयोग किया जा सके तो उसके जरिए रॉकेट का ईंधन तैयार करने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिक ये भी देख रहे हैं कि चंद्रमा को दूसरे ग्रहों के लिए भेजे जाने वाले अभियानों का एक पड़ाव बनाया जा सकता है या नहीं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक तथा पूर्व प्रधानाचार्य एवं प्रकाश सिंह तिलखरा ने इसरो के वैज्ञानिकों को देश के कुशल नेतृत्व देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि ये भारत के लिए बड़े ऐतिहासिक महत्व का क्षण है। उन्होंने कहा, जब भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर उतरा, आज पूरा देश चंद्रयान की सफलता का साक्षी बना है। देश के लिए, देशवासियों के लिए यह बहुत बड़े गौरव का अवसर है। जब हम विक्रम लैंडर को अपनी आंखों से चंद्रमा के पोल पर उतरते हुए देखे, हम इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने विक्रम लैंडर का सफलतापूर्वक लैंडिंग कराया है। आज चांद पर पहुंचा है भारत। अब नए चंद्र युग का शुभारंभ हुआ है। आज बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का क्षण रहा है। भारत ने एक ऊंची छलांग लगाई है। भारत का चंद्रयान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर चुका है। ऐसी स्थिति में हम इसरो के वैज्ञानिकों को, देश के को कुशल नेतृत्व देने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और यह एक ऐतिहासिक महत्व का क्षण है। आज चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर भारत का चंद्रयान उतरा है, जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। इस तरह भारत ने एक इतिहास रचा है, इसरो के वैज्ञानिकों ने एक इतिहास रचा है। यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़े उपलब्धि का अवसर रहा है। आगे आने वाले दिनों में भारत सूर्य और मंगल ग्रह के बारे में भी एक अभियान चलाने जा रहा है। हम अपने देश के वैज्ञानिकों को कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ और देश के प्रधानमंत्री को भी की भी मैं भूरभीर प्रशंसा करता हूँ। उनके कुशल नेतृत्व में देश ऊंचाई पर पहुँच रहा है। आज भारत का परचम पूरे विश्व में फहरा रहा है। आज चंद्रमा पर भी भारत का तिरंगा फहराया है। यह हमारे लिए, देशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है।